हर दरवाजा खटखटाए हैं, हर जगह हम लोग गए हैं, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा है। हम लोग छठे चरण से वंचित अभ्यर्थी हैं और करीब 3 साल से हम शिक्षा मंत्री जी के यहाँ और सचिवालय दौरा कर रहे हैं। हम लोग का सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जाता है, नहीं सुनेगा तो उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए हमारे पीछे सीटेट और बीटेट के छात्र हैं और एक तरफ बेल्ट्रॉन के छात्र भी पहुंचे हुए हैं। आज आप लोग पहुंचे हुए हैं, क्या हुंकार भर रहे हैं? हुंकार यही भर रहे हैं हम लोग कि आज हम लोगों का कुछ मतलब कि जो मंचा है वो पूरा हो, हम लोगों का ज्वाइनिंग रुका हुआ है। बेल्ट्रॉन लगातार प्रोटेस्ट करते आए हैं और लाठी खाते हैं जी। हम लोग हर दरवाजा खटखटाए हैं, हर जगह हम लोग गए हैं, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा है। हम लोग मंत्री मिनिस्टर के पास गए हैं, जीवेश कुमार के पास गए हैं, लेकिन फरवरी को हम लोग गए थे, हम लोग आंदोलन भी किए हैं, वहाँ पे भी हम लोग खदेड़ा गया, वहाँ पे भी हम लोगों को बढ़िया अच्छी तरीके से खदेड़ा गया। कुछ लोगों को चोटें आई, महिलाओं को चोटें आई, मतलब यही हो गया है बेल्ट्रॉन का, हमेशा मतलब खदेड़ते रहो, स्टूडेंट लोग को भगाते रहो, ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। चलिए, बेल्ट्रॉन के तो छात्र हैं, आप किसके छात्र हैं? सीटेट। क्या मांग रख रहे हैं? मांग ये है कि 7वीं चरण जल्द लागू हो, चालू हो, 6वीं चरण खत्म हो जल्दी। हम लोग का मांग यही है कि आप ही लोग थे जो धरना पे बैठे हुए थे, पांच मार्च जो था धरना, हाँ 3 दिन हम लोग धरना। कुछ मिला, कुछ हुआ? हाँ, सिर्फ आश्वासन मिला सचिव। हाँ, हाँ। चलिए, आश्वासन तो मिला ना, आश्वासन मिला, बाकी आश्वासन और विश्वास नहीं है, पूर्ण विश्वास नहीं है सरकार पर, विश्वास नहीं, नहीं विश्वास नहीं, आश्वासन हम लोग को 3 साल से मिल रही है। 2019 में ही हम लोग सीटेट पास हैं, तो उसके बाद आश्वासन ही आश्वासन मिल रही है। शिक्षा मंत्री जी बार बार शीघ्र अति शीघ्र जो है कि शब्द का प्रयोग हमेशा करते हैं बार बार, इसलिए हम लोग जो है कि उनके आश्वासन पे हम भरोसा नहीं कर सकते। हम लोग सीटेट बीटेट छठे चरण से वंचित अभ्यर्थी हैं और करीब 3 साल से हम शिक्षा मंत्री जी के यहाँ और सचिवालय दौरा कर रहे हैं। हम लोग का सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जाता है। हम लोग गर्दनी बाग में धरना भी किए हैं 3, 4, 5 मार्च को, फिर भी हम लोग को आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। हम लोग के मांग है जो 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति मार्च में अभिलंब जारी हो, मार्च के सर अभी तुरंत जारी हो हम लोग के प्राथमिक विज्ञप्ति। चलिए, तो क्या लगता है यहाँ पे कुछ होगा या यहाँ पे भी आश्वासन? कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं विधानसभा में संदीप सौरभ सर, जरूर आवाज उठा। तो क्या लग रहा है, छात्र हिला के रख देंगे सरकार? एकदम हिला के रखेंगे, पूरा एकदम संघर्ष, एकदम हिला के रख देगा, एकदम हिला के रख देगा। हम लोग सीटेट स्टूडेंट हैं। आप किसके छात्र हैं? सीटेट। क्या लग रहा है, कुछ होगा आप लोग? बिल्कुल होगा, हम लोगों की एकता है तो जरूर होगा, सब संभव है। सीटेट छात्र हैं जी? जी सीटेट। क्या लग रहा है कि यहाँ पे भी बस कुछ नहीं होगा या कुछ होगा? एकदम होगा, हम लोग का यूनिटी पूरा संख्या बल है और होगा, और सरकार जो है आश्वासन हम लोग को दे रही है कि अब नोटिफिकेशन देंगे, अब देंगे, मार्च में कर रही थी, मार्च आ गया, अब जो है अप्रैल आने वाला, बोल रही है अब अप्रैल के प्रथम सप्ताह में देंगे, लेकिन वो आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है। क्या लग रहा है, सरकार सुनेगी बात या दम सुनेगी? बात सुनेगी, दम सुनेगी कि सुनना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा, उनको उनसे छीन कर लेंगे। नहीं सुनेगा तो उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। सुनाना पड़ेगा, नहीं सुनेगा तो हम लोग तो है ही रोड पे आ जाएंगे। देखिए, सीटेट बीटेट और बेल्ट्रॉन के छात्र एक साथ बैठे हुए हैं और साफ कह रहे हैं कि अब नहीं सहा जा रहा है, सरकार को हिला के रख, इनके साथ न्याय नहीं हुआ। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।